हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम है आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ GTA San Andreas के लिए आपका बेहतरीन वाला ग्राफिक्स मोड पैक, जो कि डिज़ाइन किया गया है फॉर लो एंड डिवाइसेस। एंड काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में ये ग्राफिक मोड पैक है अरे, और इस ग्राफिक मोड पैक का जो साइज़ रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा कम होने वाला है। और कम MB के ग्राफिक्स मोड पैक के अंदर आपको यहाँ पे इसका बॉक्स के साथ में HD ग्राफिक्स के साथ में HD रिफ्लेक्शंस भी मिलने वाले हैं, बूट की क्लोज स्क्रिप्ट भी मिलने वाली है, और बहुत ही अच्छी क्लैरिटी के साथ मैंने ये मोड पैक जो है अपलोड किया है। एंड बहुत से नए नए टेक्सचर जो है इसके अंदर ऐड किए गए हैं, और वो भी बहुत ही कम MB के साइज में। नो मैटर आपका जो डिवाइस है बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा कम है, लो स्पेसिफिकेशन का डिवाइस है, कोई मैटर नहीं करता। आपका ये वाला जो मोड पैक है बहुत अच्छे से रन करने वाला है और बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक होने वाला है, ठीक है। और एक बात मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ, काफ़ी लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि यार आप जो ग्राफिक मोड प्रोवाइड करते हैं उनके APK OBB भी दिया करो। तो यार देखो, APK एंड OBB वो आपको डाउनलोड करने होते हैं, यानी कि वो जो चीज़ें होती है वो आपको जो है खुद से इंस्टॉल करनी होती है। एंड उसके बाद में जो मोड आपको प्रोवाइड करता हूँ वो जो है आपको अपने डेटा फोल्डर के अंदर पेस्ट करना होता है, ठीक है। तो जो भी वीडियोज में अपलोड करता हूँ ग्राफिक्स मोड पैक की, उनके अंदर जो मैं आपको इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ वो एक पर्टिकुलर ग्राफिक मोड पैक का होता है। और जो गेम है जो APK प्लस OBB वो आपके पास खुद के पास होनी चाहिए, आपका जो अलग GTA San Andreas जो गेम है वो आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि मेरे पास GTA San Andreas नहीं है, तो डोंट वरी, GTA San Andreas का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो APK प्लस OBB वेबसाइट में जा कर के। तो वो जो है चीज़ आप कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इस वीडियो में आपको इसका जो इंस्टॉलेशन है वो दिखाने वाला हूँ, क्या पासवर्ड रहने वाला है वो दिखाने वाला हूँ। और यही रही बात आपकी GTA San Andreas की, तो आपका GTA San Andreas जो है आप डाउनलोड कर सकते हो और आपके खुद के पास वो होना चाहिए, देन आप जो है ये वाला जो इंस्टॉलेशन है उसको फॉलो कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में फाइल दी गई है उसको डाउनलोड करके आप जो ऐसे ग्राफिक्स को जो है अपने गेम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे इसके अंदर आपको HD हेडलाइट्स मिलने वाली है, एंड आप ऊपर देख सकते हो कि किस तरीके की लाइट जो है यहाँ पे ग्लो हो रही है, बहुत ही ज़्यादा उसम लग रही है। एंड रिफ्लेक्शन की स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे ऐड करी है मैनुअली, जो कि आपको जो है व्हीकल के रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करने वाली है। एंड स्काई बॉक्स यहाँ पे लाइट सा स्काई बॉक्स है, जो कि जिसके ऊपर लाइक मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वाला स्काई बॉक्स मैंने यहाँ पे ऐड किया है। एंड ये वाला जो ग्राफिक्स मोड पैक है ये बहुत ही ज़्यादा आपको औसम लगने वाला है, क्योंकि ये वाला जो ग्राफिक्स मोड पैक ये 3 GB वाले फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, 3 GB रैम वाले फ़ोन में रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि अगर आपका इससे भी कम होता है तो आप जो है बिल्कुल अच्छे से जो है इस गेम को जो है चला सकते हो एकदम मीडियम सेटिंग पर, ठीक है। मीडियम सेटिंग पे आप चला सकते हो, हाई सेटिंग में करोगे तो मैं भी आपको लैग देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हाई सेटिंग में आपको पता है कि नॉर्मल अगर GTA San Andreas को हाई सेटिंग में खेलते हैं तो वहाँ पे भी लैग करता है। तो ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आपका लो एंड डिवाइस में अगर हाई सेटिंग में नहीं चल रहा तो आप थोड़ी लो कर सकते हो सेटिंग को। फिलहाल अभी के लिए हम बिना टाइम वेस्ट करें इंस्टॉलेशन की ओर चलते हैं। छोटा सा इंस्टॉलेशन रहेगा जो मैं आपको दिखा देता हूँ, पासवर्ड आपको क्या डालना रहेगा तो उसके लिए आपको वीडियो देखनी होगी पूरी। सो हम वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो टू दी इंस्टॉलेशन। गाइज आपको फाइल डाउनलोड करनी है, ठीक है, ये वाली फाइल आप देख पा रहे हो, इसको आपको डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद में आपका पासवर्ड डालना है, पासवर्ड क्या डालना है, बाय एंड सेफ्रॉन। मैं ऐसे आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, बाय एंड सेफ्रॉन, ठीक है, स्मॉल के अंदर है, अच्छे से देख लो, यही पासवर्ड है, एंड ओके कर दो। ओके करने के बाद में आपको फोल्डर दिखाई देगा, इस फोल्डर को यहाँ से ओपन करो, एक और फोल्डर दिखाई देगा यहाँ पे कॉम्प्यूटर रॉकस्टार गेम्स GTS से, इसको यहाँ से कट करो, डिवाइस मेमोरी में जाओ, एंड्रॉयड में, डेटा में, एंड देन जाके पेस्ट कर दो, दैट्स इट, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये वाला फोल्डर जो आपको मिलेगा इसके अंदर जाकर के आपको फाइल के अंदर जाके TXDB के अंदर जाके TXT के फोल्डर के अंदर जाके आपको रीनेम से यहाँ पे अपना GPU का नेम लिखना है। आपका GPU का नेम कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर आपका GPU आपको नहीं पता तो आप जो है CPU Z डाउनलोड करके जो है अपना GPU पता कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है आपको करनी रहेगी। एंड जैसा कि आप देख सकते हो कि जैसा कि मैं यहाँ पे ETC लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो है माली है तो मैं यहाँ पे ETC कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद में गाइज आपको अपना गेम ओपन करना है, एंड आपका गेम ओपन होगा अच्छे ग्राफिक के साथ में, अच्छे रिफ्लेक्शन के साथ में, अच्छे स्काई बॉक्स के साथ में, एंड बहुत ही बेहतरीन लाइट ग्राफिक्स मोड पैक जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रहा है देखने में, बहुत ज़्यादा औसम लग रहा है, और बहुत सारी नई नई लाइट्स यहाँ पे जो है ऐड की गई है, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको लगने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा जो है और भी ज़्यादा
ज़्यादा इससे भी बेहतरीन वाला जो ग्राफिक्स मोड पैक की जो वीडियोस है वो आने वाली है चैनल पे, और मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा हाई एंड ग्राफिक्स मोड पैक जो होते हैं आपके पूरा का पूरा गेम चेंज करने वाले, वो जो है मैं अभी पूरे के पूरे लगभग जो है डेवलप हो चुके हैं, उसके बाद में उसके ऊपर वीडियो बनानी होगी, तो वीडियो बना के मैं अपलोड ज़रूर करूँगा। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दो उस चीज़ के लिए, क्योंकि उसमें उसको आपको पता है कि ऐसे चीज़ों में टाइम लगता है थोड़ा, सो गिव मी सम टाइम एंड मैं ज़रूर बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगा। फिलहाल अभी के लिए आप इस मोड पैक को ट्राई करो, इन्जॉय करो और कमेंट में मेरे को बताओ आपको कैसा लगा। ये डाउनलोड ज़रूर करो, बहुत ऑसम मोड है एंड आपको अपने गेम के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क देखने के लिए मिलेगा। जो बिगिनर है जिन्होंने आज से पहले कभी ग्राफिक्स मोड को डाउनलोड नहीं किया है, तो एक बार मैं ट्राई करूँगा इसके साथ जाओ, बहुत ज़्यादा ऑसम लगेगा। और इसके बाद जो है आप नए नए ग्राफिक्स मोड पैक को ट्राई करोगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा ऑसम लगने वाला है और भी ज़्यादा। तो आप ये वाला मोड पैक डाउनलोड करो, ट्राई करो। फिलहाल अभी के लिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो भाइयों। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये है कि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहती है। ओनली सब्सक्राइब नहीं करना है, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना है, ठीक है। इससे ये होगा कि जब भी वीडियो प्रीमियर होगी चैनल पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। वीडियोज़ जो रहती है मेरी नॉर्मली वो रात को 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में अपलोड हो जाती है, तो आप उस टाइम पर आ सकते हो। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मैं वीडियो एंड करने जा रहा हूँ एंड कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसे लगी। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा मोड पैक रिस्पॉन्स ज़रूर देना, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, लाइक ज़रूर करना। बाय गाइस।